व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं इस पैटर्न को, जो होगा एक हाफ पिरामिड पैटर्न ऑफ अल्फाबेट्स, राइट, जो इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो आपको एक बता दूं बात कि जो ये पैटर्न है और ये जो वीडियो है, ये पैटर्न्स इन सी नाम की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उस प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे पैटर्न्स को रख चुका है बना के वीडियो, उसमें समझा कर उसका कोड भी है। तो ये पैटर्न को आप डिस्क्रिप्शन में से ज़रूर देख ले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट को ज़रूर देख ले, राइट। और आज की इस वीडियो जो होने वाली है ये दो पार्ट में होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम इस पैटर्न का लॉजिक समझेंगे कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है, और इसका पूरा थ्योरी समझेंगे, राइट। और उसके बाद में सेकेंड पैटर्न को और सेकेंड प्लान में हम करेंगे VS में इसको कोड। तो आप श्योर करें कि आप इस दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखें। और देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये सिमिलर टू दिस पैटर्न है, बस यहाँ पे स्टार के सट्टा में यहाँ पे अल्फाबेट्स प्रिंट किया है, जो कि ए बी ए बी सी ए बी सी डी एंड सो ऑन। सो ये सिमिलर है, आपने अगर ये वाला वीडियो देखा है तो आपके लिए ये बहुत आसान होगी। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो ये वीडियो भी आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर ले और ये वीडियो भी ज़रूर देख ले। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो विथ लॉजिक। ओके, तो हम बात कर रहे हैं लॉजिक के बारे में। तो इस पार्टिकुलर पैटर्न में हम देख रहे हैं जो एन का वैल्यू है, जो होगा हमारा नंबर ऑफ रोज, तो इसमें कितने रोज है यार, तो फोर है। तो ये पार्टिकुलर पैटर्न में नंबर ऑफ रोज हमारा हो गया फोर। तो ये जो होगा ना नंबर ऑफ रोज जो हम एन में स्टोर करने वाले हैं, इसको हम यूजर से इनपुट लेंगे, वो जितना नंबर ऑफ रोज बोलेगा उतने नंबर ऑफ रोज में सेम पैटर्न को हम प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम तो एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एन, जिसमें हम नंबर ऑफ रोज यूजर से ले रहे होंगे, राइट। उसके बाद में इसमें जो है रोज है, अब हर एक रो में क्या क्या प्रिंट करना है, इसीलिए हम इस रो के लिए, पार्टिकुलर रोज के लिए हम एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा रो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हर एक रो में ये क्या प्रिंट कर रहा है, एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है जो है ए ए बी। सो एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं जो होगा कैर टाइप, कैर डेटा टाइप का, और इसमें हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉलम, राइट। तो अब यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा हमको कि ए हो और उसके बाद में ए बी हो और ए बी सी हो, ठीक है। तो ASCII वैल्यू ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ ए होता है 65। आप ASCII वैल्यू को गूगल में सर्च कर सकते हैं, ASCII वैल्यू ऑफ है जो आपको मिलेगा 65, जो कि मतलब कि कैरेक्टर में हम 65 इनपुट करते हैं तो वो ए समझ लेगा और ए को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप लगा लेंगे और इस फॉर लूप में हम प्रिंट करने वाले हैं रो को, ठीक है। तो क्योंकि एन तो है टोटल नंबर ऑफ रोज और रो में हम प्रिंट करने वाले पार्टिकुलर रो को, तो रो को हम इनिशियलाइज कर देंगे वन से। और ये रो कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू है एन तक, जितना एन है उतना तक की रो चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में रो को हम अपडेट कर देंगे, राइट। अब इस फॉर लूप को अंदर हमको प्रिंट करना है ये ए बी ए, ओके। उसके बाद में जब दूसरा रो आएगा तो उसमें ए बी, तीसरा रो आएगा तो ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से एक फॉर लूप लगाएंगे, जो फॉर लूप में जब रो का वैल्यू वन होगा और यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा, वन इज लेस देन इक्वल टू एन जो होगा हमारा, यहाँ पे एन जो है अभी होगा फोर। जब ये कंडीशन टू हो जाएगा तो अंदर जाएगा तो ये फर्स्ट रो के लिए काम कर रहा होगा, तो फर्स्ट रो में क्या प्रिंट करना है हमको, ए करना है, राइट। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल को कैरेक्टर टाइप का बनाया है तो कॉल लिख देंगे और इसको इनिशियलाइज कर देंगे ए से, जो कि है 65। तो क्योंकि कैरेक्टर में हम 65 इनपुट करते हैं तो वो ए समझेगा, क्योंकि ASCII वैल्यू ऑफ ए जो है 65 है और ये कैरेक्टर है, इसीलिए 65 को यह क्या समझेगा, ए समझेगा, ठीक है, ओके। तो अब ये जो 65 यानी कि हम ए जो प्रिंट कर रहे हैं, ये कितने बार प्रिंट करना है और क्या क्या प्रिंट करना है, उसको हमको लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल को हम अपडेट करते हैं लेस देन इक्वल टू एन प्लस 64। अरे यह क्या कर दिया मैंने, अब यहाँ पे समझते हैं, राइट। तो जो हमारा सॉरी यहाँ पे हमने रो लिखना होगा, रो,
अब ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे हम समझते हैं। कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो, अभी जो करेंट रो के अंदर जो कंडीशन यहाँ पे टू हो गया है वो रो, और उसके बाद में रो प्लस 64। ये 64 क्यों किया मैंने, ठीक है। तो देखो कॉलम जो है अभी है 65, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, अभी रो कितना है, रो का वैल्यू है 1, ठीक है, ये फर्स्ट रो में चल रहा है, तो रो का वैल्यू है 1 प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 65, जो कि कंडीशन ट्रू है, और उसके बाद में हम कॉलम को क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे होंगे क्या, एक कैरेक्टर, और उसके बाद में ये कैरेक्टर कुछ और नहीं, ये कॉल है, कॉल, राइट। अब ये फॉर लूप बंद हो जाएगा, और उसके बाद में हम एक फिर से प्रिंट एफ कर लेंगे एक न्यू लाइन, ताकि न्यू लाइन में चला जाए। अब ये वर्क कैसे कर रहा है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में तो 65 हो गया, जो कि कंडीशन ट्रू है, तो अंदर जाएगा यहाँ पे परसेंटाइल सी है, कैरेक्टर का टाइप क्या है कैरेक्टर में 65, तो यहाँ पे प्रिंट कर लेगा ए, राइट। अब जैसे यहाँ पे कॉल का वैल्यू इंक्रीज होगा 1, यानी कि 66 यहाँ पे हो जाएगा कॉल का वैल्यू, कॉल का वैल्यू हो जाएगा 66, तो 66 इज लेस देन इक्वल टू रो, रो का वैल्यू तो अभी 1 ही है, 1 प्लस 64, क्या ये कंडीशन ट्रू है 66 लेस देन इक्वल टू 65 है, नहीं है, तो ये जो है ये लूप जो है बंद हो जाएगा और न्यू लाइन हो जाएगा। तो सिर्फ ए प्रिंट करके यहाँ पे न्यू लाइन में ये आ जाएगा ये वाले रो में, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे रो का वैल्यू अपडेट हो जाएगा कितना 2, तो फिर से यहाँ पे कंडीशन अपडेट हो कि चेक करेगा रो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, तो अब यहाँ पे जो रो का वैल्यू हो चुका है वो कितना हो चुका है 2, तो यहाँ पे न्यू जो अपडेट कंडीशन आ जाएगा चेक करने के लिए वो है रो प्लस 64, यानी कि रो का वैल्यू अब हो चुका है 2, सेकेंड रो के लिए काम कर रहा है, तो 2 प्लस 64 कितना हो जाएगा, सो इट इज लेस देन इक्वल टू 66, ठीक है। तो फर्स्ट में जो कॉल है वो 65 है, तो यहाँ पे कंडीशन 65 इज लेस देन इक्वल टू 66 कंडीशन होगा ट्रू, राइट। तो एक बार ये अंदर जाएगा और यहाँ पे ए जो है प्रिंट कर देगा, उसके बाद में कॉल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और 65 से हो जाएगा 66, फिर से कंडीशन ट्रू हो गया यार, फिर से यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे कॉल जो है 66 है, जो कि ASCII वैल्यू ऑफ बी है, तो बी प्रिंट कर देगा, राइट। और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 67, लेकिन दिस टाइम ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉर लूप चलेगी नहीं और यहाँ पे न्यू लाइन में यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से रो अपडेट होगा और होगा 3, और सेम प्रोसेस यहाँ से 65 से स्टार्ट होकर 67 तक चेक करते जाएगी और ABC प्रिंट करते जाएगी एंड सो ऑन। तो ऐसे हम दो फॉर लूप के मदद से ये पैटर्न को, हम पार्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो अब इसको हम चलते हैं VS कोड में और इसको कोड करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डिजायर जो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट्स मूव टू VS कोड। सो तो जैसे हमने बोर्ड पे जो लॉजिक समझा उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए तो हमने int n बनाया था और उसके बाद में रो एंड उसके बाद में कैरेक्टर डेटा टाइप का एक बनाया था कॉल, राइट। तब उसके बाद में हम एक यूज़र को मैसेज कर देते हैं इंटर द नंबर ऑफ रोज, ताकि वो नंबर ऑफ रोज को इंटर कर दे, राइट, इंटर द नंबर ऑफ रोज। उसके बाद में इसको तो एड्रेस देना होगा, तो इसमें फंक्शन की मदद से इसको हम एड्रेस दे देते हैं m%n, ठीक है। और उसके बाद में अभी यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया था जो कि पार्टिकुलर रो के लिए काम कर रहा था, तो रो को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, रो कब तक चलेगी, जब तक लेस देन इक्वल टू n तक, एंड रो को हम कर देंगे अपडेट। अब इस पार्टिकुलर रो यानी कि जब रो का वैल्यू 1 है, इसके अंदर हम एक दूसरा फॉर लूप चला रहे हैं जो कि प्रिंट कर रहा है कॉलम को, तो कॉलम को इनिशियलाइज करते हैं 65 जो है ASCII वैल्यू ऑफ ए। कॉलम कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू रो प्लस 64 तक। अब ये 64 हमने क्यों ऐड किया इसको मैंने लॉजिक समझा दिया था,
उसके बाद में कॉलम को हम अपडेट कर देंगे राइट। और इसके अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं एक कैरेक्टर जो कि होगा कॉल का वैल्यू ठीक है। और उसके बाद में ये फॉर लूप के बाहर आके हम एक दूसरा प्रिंटफ यूज कर देंगे जो कि हमको लाइन चेंज करने में मदद करेगी ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये पार्टिकुलर पैटर्न के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। तो लेट्स नाउ रन दिस एंड सी द मैजिक व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे हमने रन बटन का यूज किया और यहाँ पे एक मैसेज आ गया इंटर द नंबर ऑफ रोज। तो 5 नंबर ऑफ रोज के लिए करते हैं 5 नंबर ऑफ रोज के लिए। सो हमारा डिजायर्ड आउटपुट सेम आ रहा है ए ए बी ए बी सी एंड ए बी सी डी ई ओके। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं थोड़ा और अच्छा दिखे तो यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करके एक स्पेस भी प्रिंट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं फिर से रन करते हैं इस बार एक बड़े नंबर के लिए। तो लेट्स ट्राई 10। तो यहाँ पे जैसे एक स्पेस करके पैटर्न जो है प्रिंट हो रहा है। तो होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और कुछ आप नए जाने। अगर हाँ आपको लगता है कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा लॉजिक कोड को अच्छे से समझा और कुछ सीखने को मिला तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आपको यहाँ पे कोड के रिलेटेड बहुत सारे न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे।